नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को हराने का तोड़ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोड़ निकाला है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अब शीशे की तरह साफ हो गया है कि बीजेपी वहां इसलिए जीती क्योंकि लाभार्थी योजना काम आई, क्योंकि गरीबों को उन्होंने घर घर अनाज पहुंचाया, 5-5 किलो अनाज दिया राशन कार्ड के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से। अब विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? अभी भी मोदी हटाओ, देश बचाओ, सांप्रदायिक ताकतों को भगाओ, इस तरह की नारेबाजी में लगी है। लेकिन केजरीवाल ने इससे एक बड़ा सबक लिया है। केजरीवाल ने, हम कह सकते हैं, एक लंबी लकीर खींच दी है। दूसरी पार्टियां कब इससे प्रेरित हो? कुल मिलाकर केजरीवाल PAY लेकर आए। PAY यानी अंग्रेजी में पे कह दिया जाए, पे यानी पे करना। और क्या जनता पे करेगी केजरीवाल को इस योजनाओं से ताकि केजरीवाल PM बन जाए, पे से PM बन जाए? पे यानी पी से पुअर, गरीब आदमी, ए से आम आदमी और वाई से यूथ। बीजेपी भी अच्छी तरह जानती है कि भले ही वो उत्तर प्रदेश जीत गई हो, लेकिन आज की तारीख में भारत की जनता के सामने दो बड़े सवाल हैं, दो बड़े मुद्दे हैं। एक है महंगाई और दूसरा है बेरोजगारी। बेरोजगारी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है युवाओं को, और महंगाई प्रभावित करती है आम आदमी को, गरीब आदमी को। तो दोनों को एक साथ साधना ये केजरीवाल ने शुरू कर दिया है। एक नया वोट बैंक क्रिएट करना शुरू कर दिया है जिसमें पुअर है, आम आदमी है और यूथ है। यूथ के लिए दिल्ली को एक सेंटर बनाया गया है। दिल्ली आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, सर्विस सेक्टर है, यानी निर्माण के क्षेत्र में यहां बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, यानी नौकरियां उस रूप में नहीं आती। तो स्टार्टअप कैपिटल यानी लंबी लकीर खींच देनी है, सीखा है प्रधानमंत्री मोदी के स्टार्टअप से, और दिल्ली में एक लंबी लकीर खींचने जा रहे हैं केजरीवाल। ये दूसरी पार्टियों के लिए भी सबक है, ये खुद बीजेपी के लिए भी सबक है कि उनको इस लकीर के आगे एक लंबी लकीर कैसे खींचनी है। क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया कि 11वीं 12वीं के सरकारी स्कूल के जो दिल्ली के छात्र हैं उनसे स्टार्टअप के आइडिया मंगाए, करीब 51,000 इस तरह के बिजनेस आइडिया आए, और इनको छांट कर अब केजरीवाल दो काम करने जा रहे हैं। एक, युवाओं को मौका देंगे कि जो स्टार्टअप आइडिया पर वो इंप्लीमेंट कर सकें, काम कर सकें, रोजगार कर सकें, धंधा कर सकें। दूसरा, वो प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ रहे हैं ताकि ये जो स्टार्टअप कैपिटल का फैलाव हो सके और ज्यादा युवाओं को इसके साथ जोड़ सके। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि 2025 में जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे तो ये यूथ पहली बार वोट देगा। स्वाभाविक है, जो अभी 11वीं 12वीं में है वो वोटर नहीं है, वो अगले 1-2 साल में वोटर बनेगा, 2025 में पहली बार वोट देगा। और स्वाभाविक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो सरकार किसी यूथ को धंधा जमाने में मदद करेगी उसका वोट किधर जाएगा। दूसरा, दिल्ली में जो बीजेपी एक बार ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहलाती थी, दिल्ली में आज भी बहुत बड़ा वैश्य समाज, अग्रवाल समाज के लोग हैं, जो खंडेलवाल समाज के लोग हैं, जो बीजेपी को वोट देते आए हैं। लेकिन बीजेपी का यहां भी एक तोड़ निकाला है केजरीवाल ने। उन केजरीवाल को पता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर या हब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा होलसेल का मार्केट है दिल्ली। तो कुछ जगह उन्होंने तय किया है कि दिल्ली में हर साल एक दिल्ली फेस्टिवल होगा, बाजार फेस्टिवल होगा, जिसमें टैक्स की में रियायत दी जाएंगी, एक हब बनाया जाएगा, ऑनलाइन इस तरह का काम होगा कि लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकें सामान का, गारमेंट का यानी कपड़ा उद्योग का एक हब बनाया जाएगा, एक बड़ा मार्केट क्रिएट किया जाएगा। तो इससे क्लाउड किचन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, फूड ट्रक, यानी आपने विदेशी फिल्मों में देखे होंगे सड़क के किनारे कहीं जगह ट्रक खड़ा रहता है, खुला ट्रक जिसमें खाने पीने का सामान बिकता है, तो इस तरह के फूड ट्रक भी की भी व्यवस्था केजरीवाल दिल्ली में करने जा रहे हैं। इससे तीन फायदे होंगे। एक, बिजनेस का एक सेंटिमेंट पैदा होगा, बिजनेस क्लास को और ज्यादा फायदा होगा, कोरोना काल से जो जूझ रहे हैं उनको फायदा होगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को फायदा होगा, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री को फायदा होगा। और ये सेक्टर वो हैं
जिन पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार पड़ी थी और सबसे कम लाभ इनको या रियायतें इनको या किसी तरह की सुविधाएं इनको कोरोना काल में मिल पाई थी। एक और फायदा ये है कि ये जो बिजनेस क्लास है ये चुनाव में भी बहुत काम आता है, चंदा भी बहुत देता है। जो बीजेपी की झोली में बहुत जाता रहा उससे पहले कांग्रेस की झोली में भी जाता रहा, तो बिजनेस क्लास से अपना जो सियासी व्यापार है, एक तरह से हम कह सकते हैं, या चुनावी फायदा है, वो भी उठाने की कोशिश केजरीवाल करेंगे। तो ये हो गया यूथ की बात। अब पंजाब में क्या करने जा रही है आम आदमी पार्टी? पंजाब में कह रही है हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, और केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में तो केंद्र सरकार ने हमें करने नहीं दिया, लेकिन पंजाब में हम करके दिखाएंगे, कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता, और पूरे हिंदुस्तान में इसे अलग अलग राज्य सरकारें अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगी, केंद्र सरकार इसको अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। कुल मिलाकर दिल्ली में 72 लाख इस तरह के लोग थे जिनके घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन केजरीवाल का आरोप है कि तब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बहाना लेकर एलजी ने फाइल को रोक दिया था। एलजी से मतलब वो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं। अब 1,42,000 इस तरह के जो लाभार्थी हैं वो पंजाब में हैं, उनके घर घर एक साफ सुथरे थैले में राशन पहुंचाया जाएगा, भगवत मान का कहना है, केजरीवाल का माना है का कहना है। उससे पहले उस घर पर के परिवार के लोगों को फोन किया जाएगा बकायदा कि हम सामान पहुंचाने आ रहे हैं, यानी आप घर पर रहिए, आपका घर कोई सदस्य घर पर रहे तो इसका फायदा होगा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो थैले होगा उस थैले में तस्वीर किसकी लगी होगी, किस पार्टी का प्रचार होगा। आखिर 5 किलो अनाज मुफ्त अनाज पहुंचाया जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उस थैले में भी आप जानते हैं किसकी तस्वीर है। तो ये फायदा होगा, एक लिस्ट बन जाएगी, नाम आ जाएंगे, आप पहले फोन करेंगे कि भाई आज घर में सामान आ रहा है, उसके बाद हो सकता है फिर फोन करें या 10 दिन बाद फोन करें, भैया सामान मिल गया ना, अच्छी क्वालिटी का गेहूं मिला ना तो या चावल मिला ना, तो ये काम करेंगे। तो ये इससे आप जो बीजेपी ने 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना शुरू की, देश भर में इसको एक्सटेंड किया 54,000 करोड़ रुपया खर्च करके, अब 3 महीने के लिए और एक्सटेंड किया है देश भर में 80,000 करोड़ रुपया इस पर अतिरिक्त खर्च करके, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना को 3 महीने और एक्सटेंड किया है, उसमें भी 1,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो कुल मिलाकर केजरीवाल के समझ में आ गया है कि अगर बीजेपी लाभार्थियों के नाम पर चुनाव निकाल सकती है तो केजरीवाल क्यों नहीं लाभार्थियों के नाम पर एक लंबी लकीर खींच सकते। यानी एडिशनल दिया है, योजना केंद्र सरकार की थी घर घर 5 किलो मुफ्त अनाज पहुंचाने की, इसमें एक लंबी लकीर खींच दी केजरीवाल ने, घर घर मुफ्त घर घर अनाज पहुंचेगा, मुफ्त नहीं पहुंचेगा, वही 2 रुपये किलो चावल और 1 रुपये किलो गेहूं के हिसाब से पहुंचे, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज के हिसाब से पहुंचेगा, लेकिन घर पर पहुंचेगा, आपके घर पर पहुंचेगा, क्योंकि भगवत मान का कहना है, केजरीवाल का कहना है कि बहुत से गरीब लोग होते हैं उनको पूरी दिहाड़ी खराब हो जाती है राशन की दुकान पे, जिस दिन अनाज लेने आना पड़ता है, कई बार पोस मशीनें काम नहीं करती, आपका जो फिंगर का अंगूठे की छाप नहीं ले पाती या नेट नहीं काम कर रहा होता किसी दिन, तो आपको एक और दिन आना पड़ता है, तो आपकी दिहाड़ी खराब होती है। अब वो इसको देखो कैसे बेच रहे हैं, आप समझिए केजरीवाल कितने चतुर पॉलिटिशियन है, कैसे बेच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब देखिए अमीर आदमी तो मोबाइल पर ऑर्डर दे देता है जोमैटो से, स्विगी से, इधर उधर से, कहीं से भी, किराना की दुकान से, शॉपिंग मॉल से, उसके घर सामान पहुंच जाता है, लेकिन गरीब आदमी क्या करे, गरीब आदमी तो क्या करे, उसको तो राशन की दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये शर्म की बात है कि 73-74 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और आज की तारीख में भी ये नौबत है कि गरीब को हम अनाज तक नहीं पहुँचा पा रहे। तो ये लंबी लकीर खींचने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भी सीख लेनी चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि कैसे एक योजना अगर किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाती है तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है उस योजना को अपना लेने की और उसमें कुछ एडिशनल इनपुट जोड़ने की, उसको और ज्यादा बड़ा करने की, ऐसा बड़ा करने की और ऐसा पेश करने की कि लोग पुरानी योजनाएं भूल जाएं और केजरीवाल को याद करने पड़े कि देखिए साहब घर घर राशन पहुंचा दिया, युवाओं के लिए स्टार्टअप कर दिया, 11वीं 12वीं के बच्चों को जोड़ना शुरू कर दिया, बदले में वोट तो मिलेगा ही। कैसी है ये योजना? क्या और विपक्षी दलों को
ये इस पर अमल नहीं करना चाहिए? क्या केंद्र सरकार अब इसकी कोई और तोड़ निकालने की कोशिश नहीं करेगी? पीके जो कह रहे हैं आउट ऑफ आइडिया, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया चाहिए, तो क्या ये आउट ऑफ बॉक्स आइडिया नहीं है? सोचिए। शुक्रिया आप सब, बहुत बहुत शुक्रिया।